हेलो फ्रेंड्स, दिस इज हिमांशु रंजन। टुडे आई केम अप फॉर ऑल दोस कैंडिडेट हु हैज फिल द फॉर्म फॉर एचपीसीएल। एचपीसीएल में बहुत सारे वैकेंसीज आए थे, सो सारे कैंडिडेट जो फॉर्म फिलअप किए थे तो उन लोग ईयरली वेट कर रहे हैं कि एग्जाम कब होगा, व्हेन विल बी द एग्जामिनेशन डेट। सो टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस विथ यू कि आप लोगों का जो एग्जामिनेशन कब होने वाला है, क्योंकि मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स आर आस्क्ड टू मी इन कमेंट सेक्शन ऑफ एनी वीडियोस और इन माई टेलीग्राम ऑल्सो दे आर आस्किंग दैट कि आप मुझे बताओ कि कब एग्जाम होगा। ओके, सो देन टूडे आई एम गोइंग टू टेल यू जस्ट कि व्हाट विल बी द एक्सपेक्टेड एग्जामिनेशन डेट ऑफ एचपीसीएल। ओके, सो आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। आई विल टेल यू एवरीथिंग कि एग्जामिनेशन कब तक हो सकता है। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल टेल यू दैट कि फाइनेंस वाले के लिए मैं बता दूं कि फाइनेंस वाले के लिए मैंने स्पेशल एमसीक्यू बनाया है फाइनेंस वाले के लिए फॉर योर प्रिपरेशन। आप वो एमसीक्यू खरीद सकते हो मात्र 500 में। ओके, फाइनेंस एंड अकाउंट्स का प्रिपरेशन करने के लिए आप एमसीक्यू खरीद सकते हो मात्र 500 में। आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, फुल डिटेल आर मेंशन देयर। ओके, एंड वन मोर थिंग कि मेरे क्लासेस से रिलेटेड इंपॉर्टेंट अपडेट आपको मेरे टेलीग्राम से मिलता है। ओके, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, आपको एक लिंक दिखेगा, उस पर आप क्लिक कर करके आप मेरा टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो। ओके, सो चलिए बात करते हैं एचपीसीएल का एग्जामिनेशन डेट का। ओके, देखिए जो एचपीसीएल का जो फॉर्म भरने का डेट का बात किया जाए तो आप लोग का जो फॉर्म भरने का जो डेट था वो था 22 जुलाई इज द लास्ट डेट फॉर फिल द फॉर्म फॉर एचपीसीएल। 22 जुलाई इज द लास्ट डेट था। तो क्या होता है जनरली कि 2 से 3 महीना के बाद एग्जामिनेशन होता है, 2 से 3 महीना। तो आप रख सकते हो, देखिए जुलाई में आपका फॉर्म फिलअप का लास्ट डेट ही था, तो अगस्त में तो ऑब्वियस सी बात एग्जाम एक महीना के अंदर कोई भी पीएसयू एग्जाम नहीं लेता है। कम से कम पीएसयू का जो एग्जामिनेशन होता है वो 2 से 3 महीना के बीच में होता है, 2 से 3 महीना। तो अगर आपका जुलाई में अगर आप फॉर्म भरे तो अब जुलाई के बाद आप रख सकते हो, जैसे जुलाई में आप फॉर्म भरे, ठीक है, तो आप रख सकते हो कि अगस्त में तो नहीं होगा, सितंबर में अगर हुआ तो लास्ट वीक ऑफ सितंबर लास्ट वीक में होगा, सितंबर में अगर होगा सितंबर में तो लास्ट वीक में होगा, नहीं तो फिर अक्टूबर में आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपका एग्जामिनेशन अक्टूबर में हो सकता है। ओके, सो आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपका एग्जामिनेशन सितंबर नहीं तो फिर अक्टूबर में हो सकता है। ओके, तो सितंबर में अगर होता है तो लास्ट वीक में होगा, अक्टूबर में अगर होता है तो अक्टूबर में कभी भी हो सकता है। तो आपका जो पॉसिबिलिटी है एग्जामिनेशन का एक्सपेक्टेड आप रख सकते हो कि सितंबर का लास्ट वीक नहीं तो फिर अक्टूबर में इसका एग्जामिनेशन हो सकता है। ओके, सो अगर बात किया जाए प्रिपरेशन का तो अभी भी आपके पास काफी अच्छा समय बचा हुआ है। अभी बात किया जाए तो अभी आपका अगस्त चल रहा है तो ऑलमोस्ट 1 मंथ आप रख सकते हो, तो 1 मंथ काफी होता है एक पीएसयू का एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन करने के लिए। ओके, तो फॉर फाइनेंस एंड अकाउंट्स वाले जो भी फाइनेंस वाले जो फॉर्म भरे थे तो फाइनेंस के लिए तो मैंने स्पेशल एमसीक्यू बनाया है, तो वो एमसीक्यू आप परचेस कर सकते हो मात्र 500 में। फुल डिटेल आर मेंशन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स ऑफ दिस वीडियो। मेरा एमसीक्यू ONGC का पहले एग्जामिनेशन हुआ था कुछ दिन पहले, तो उसमें बहुत सारे लोगों ने मेरा एमसीक्यू परचेस किया था और उन लोगों का जो रिस्पांस है ONGC वालों का, जो ONGC का एग्जामिनेशन हुआ था तो बहुत सारे कैंडिडेट ने मेरा एमसीक्यू परचेस किया था, तो उन लोगों का जो रिस्पांस था वो काफी अच्छा था। उन लोगों का रिव्यू भी मैं शेयर किया हूँ अपने टेलीग्राम पे, आप अगर आप चाहते हो तो वो रिव्यू भी देख सकते हो, मेरे टेलीग्राम पे ऑलरेडी शेयर्ड है एवरीथिंग। ओके, सो रिव्यू बहुत ही अच्छा है। ओके, ओके, रिव्यू बहुत ही ज्यादा अच्छा है, आप देख सकते हो, ठीक है, और अपना प्रिपरेशन को आप स्ट्रॉन्ग करने के लिए फाइनेंस एंड अकाउंट्स का एमसीक्यू परचेस कर सकते हो। फुल डिटेल आर मेंशन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स ऑफ दिस वीडियो। ओके, सो आई होप सो कि दिस वीडियो इज हेल्पफुल फॉर ऑल ऑफ यू, क्योंकि मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स आर जस्ट आस्किंग टू मी इन द कमेंट सेक्शन ऑफ एनी वीडियोस और इन टेलीग्राम दैट व्हेन विल बी द एग्जामिनेशन डेट ऑफ एचपीसीएल। सो टुडे आई एम जस्ट डिसाइडेड दैट कि आप लोगों के लिए एक वीडियो बना दो ताकि आप लोगों को पता चल सके कि जो एग्जामिनेशन होता है पीएसयू का वो कितने दिनों में होता है, जब इनका फॉर्म आता है उसके बाद कितने दिन में एग्जामिनेशन ये कंडक्ट करवाते हैं। ओके, क्योंकि मेनी ऑफ द स्टूडेंट are not aware about all these things. Okay, so today I'm just decided to make one video for this topic. Okay, so I video yahan tak rakhte hain. I hope so ki video aap log ke liye helpful laga hoga, to video ko like kariyega. Okay, aur channel ko subscribe kar dijiye, is channel pe aapko important update hamesha milta hai aur hamesha milta rahega. Okay, so channel ko subscribe kar dijiye aur is video ko share kar dijiye aur group mein jahan pe bhi log
इस फॉर्म को फिलअप किए तो ताकि उन लोगों के पास भी जानकारी पहुंच सके। ओके सो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, क्योंकि लाइक करने से क्या होता है, वीडियो का रीच बढ़ता है, बस मैं इसीलिए बोलता हूँ लाइक करने का। ओके तो वीडियो है तो रखते हैं, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके सो थैंक यू।